देखिए यहाँ पर स्पेलिंग रूल का पार्ट नंबर टू है। देखिए वर्ब में आईएनजी ऐड करने का नियम क्या है, तो यहाँ पहला कह रहे हैं कि अगर वर्ब के लास्ट में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को रिमूव कर दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो कम में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, है ना। इसी तरह राइट में आईएनजी लगाएंगे तो ई रिमूव हो जा रहा है, राइटिंग हो जा रहा है। मेकिंग में ई रिमूव हो जा रहा है, है ना। मूव में आईएनजी लगाएंगे तो ई रिमूव हो जा रहा है, ई हट जा रहा है। मूविंग, गिव का क्या हो जाएगा, गिविंग, ई हट जा रहा है। टेक का, टेकिंग होता है, ई हट जा रहा है। लिव का, लिविंग, यहाँ भी। और साइन का, साइनिंग, राइज, राइजिंग। डाइन का, डाइनिंग, इन सब में ई हट जा रहा है। दूसरा रूल क्या है कि अगर वर्ब का लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट बिफोर क्या हो, वॉवेल हो, तो वहाँ कॉन्सोनेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। जैसे देखो स्टॉप में आईएनजी लगाने से क्या होता है, स्टॉपिंग। अब यहाँ ध्यान देना क्योंकि अक्सर हम लोग की हैबिट क्या बनी होती है, आईएनजी लगा दो बस। लेकिन यहाँ डबल एल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसके जस्ट बिफोर क्या है, वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। सेट का, सेटिंग, सेट में आईएनजी तो डबल टी हो गया, एस यू डबल टी आईएनजी। अब ये स्पेलिंग एरर में आ सकता है, एस यू टी एस एच यू टी आई एन जी, है ना, तो यहाँ डबल टी होता है। रन का हो जाएगा रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी। सेट का, सेटिंग, आप सुने भी होगी। गेट का, गेटिंग। कट का, कटिंग होता है। सीट का, सिटिंग, है ना। पुट का, पुटिंग। बैग का, बैगिंग हो जाएगा। और फिट का, फिटिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, ध्यान देना, एक्सेप्शन को आपको ध्यान से देखना हो, क्योंकि एक्सेप्शन में ओपन का यहाँ डबल एन होना चाहिए, बट इसमें नहीं हो रहा है। अच्छा, एक्सेप्शन होता क्या, जैसे ये रूल जो है ये मैक्सिमम पर फॉलो है लेकिन कुछ पर नहीं फॉलो है, तो जिन पर फॉलो नहीं होता है उनको एक्सेप्शन में कर दिया। जैसे यहाँ ओपन में आईएनजी तो ओपनिंग डबल एन नहीं हुआ, पार्डन का पार्डनिंग हुआ, यहाँ भी डबल एन नहीं हुआ, ये दोनों एक्सेप्शन में आ गए। फिर इसके बाद अगर किसी वर्ड की एंडिंग एच डब्ल्यू वाई आर या एक्स से हो तब वहाँ आई एन जी लगाते समय लास्ट लेटर डबल नहीं होता है। किससे किससे अगर एंडिंग हो रही हो, एच डब्ल्यू वाई आर एक्स, जैसे आंसर, आंसरिंग, डबल आर नहीं हुआ। लाभ का, लाफिंग हो गया। फिक्स का, फिक्सिंग। ग्रो का, ग्रोइंग। ऑर्डर का, ऑर्डरिंग हो गया। बाय का, बाइंग। और ब्लो का, ब्लो मीन्स हवा बहना, है ना। और यहाँ ड्रा का हो गया ड्राइंग, यहाँ डबल नहीं। अब नेक्स्ट है कि अगर लास्ट में वाई या डबल एल हो तो आई एन जी लगाते समय वाई या डबल एल हटता नहीं है, रिमूव नहीं होता। जैसे फ्लाई में आई एन जी, फ्लाइंग हो गया, कुछ रिमूव नहीं हुआ ना। किल में आई एन जी, किलिंग हो गया। कॉलिंग हो गया। प्ले का आई एन जी फॉर्म प्लेइंग हो गया। बिल का, बिलिंग हो गया, है ना। टेल का, टेलिंग। क्राइंग, सेलिंग और ट्राइंग और फ्राइंग, इन सब में लास्ट में अगर वाई या डबल एल हो तब भी आई एन जी लगाते समय वो जो है रिमूव नहीं होता है, है ना। रीड का क्या हो जाता है, रीडिंग, यहाँ भी नहीं रिमूव हुआ क्योंकि जब लास्ट, है ना, पहले दो वॉवेल्स हों और तब जो है क्या हों, हाँ, लास्ट के तब कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर आईएनजी लगाते समय वो डबल नहीं होता कॉन्सोनेंट। जैसे रीड, ई भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, तो रीड का रीडिंग हो गया। ईट का, ईटिंग हो गया। क्लेम का, क्लेमिंग हो गया। अब कुल मिलाकर देखो यहाँ कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो समझ लो एक बच्चे को जैसे शांत करने के लिए रूल बना दिया गया, बाकी कुछ खास इसका रूल नहीं है भाई। इतना एक्सेप्शन थोड़ी होता है, इतना कंडीशन, कंडीशन एक दो चाहिए होता है ना। तो इसको आपको याद ही रखना होगा कि किसमें डबल होता है और किसमें डबल नहीं होता है। तो इन सब में जैसे क्लेम का, क्लेमिंग हो गया। बीप का क्या हो जाता है, बीपिंग, है ना, कुछ नहीं रिमूव हो रहा है। रेनिंग हो गया, सीकिंग हो गया, बीटिंग हो गया, स्लीपिंग, इसी तरह टीयरिंग, अपीयरिंग, पेनिंग, बस स्पेलिंग ध्यान देना, है ना। नीडिंग, नील, के एन डबल ई एल, के साइलेंट रहते हैं, नीलिंग हो गया। और इधर प्लीडिंग हो गया, फ्लोटिंग, फ्लोट मतलब तैरना होता है ना। सेल का, सेलिंग। बेट का, बेटिंग। अब नेक्स्ट है, अगर वर्ब की एंडिंग आई ई से हो रही तो आई एन जी लगाते समय आई ई वाई में कन्वर्ट हो जाता है, ये बढ़िया रूल है। जैसे लाई में जब आई एन जी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइंग, एल वाई आई एन जी हो जाएगा। डाई में आई एन जी ऐड करेंगे, डाइंग हो जाएगा। टाई का हो जाता है टाइंग, टी वाई आई एन जी हो जाता है। और
एफ आई ई फाई में जब आई एन जी ऐड करेंगे तो फाइम हो जाता है, एफ वाई आई एन जी हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कुछ दिया गया है, सम कॉमन वर्ड्स ऑफन मिस स्पेल्ड, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो जनरली मिस स्पेल्ड हो जाता है ना। जैसे पहला एक्सेप्ट है। अच्छा कैसे मिस स्पेल्ड हो जाता है? क्योंकि एक्सेप्ट में दो होता है ना। जैसे आप पता भी होगा आपको, एक क्या होता है आपका, जैसे ए डबल सी ई पी टी होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और एक होता है ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट, इसका मतलब के अलावा लेफ्ट है ना। तो जनरली इसी में, जैसे अभी कोई बोला एक्सेप्ट, अब तुम कंफ्यूज हो कौन सा एक्सेप्ट है, तो वहां पर आपको समझना है किस सेंस में वो बोल रहा है, कोई चीज एक्सेप्ट करने के सेंस में बोल रहा है या लेफ्ट करने के सेंस में बोल रहा है। अगर हम कह दें आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, तो यहाँ पर कौन सा एक्सेप्ट हम बोल रहे हैं, ये वाला बोले कि ये वाला बोले, ऊपर वाला बोले। लेकिन हम कह दें लेट्स एक्सेप्ट गोइंग आगरा है ना, एक्सेप्ट गोइंग आगरा, आई वेंट एवरीवेयर, आगरा को छोड़कर मैं सब जगह गया, तो कौन सा मैंने बोला, ये वाला एक्सेप्ट बोला, तो यही होता है ना। समझे, इतना समझ में आया। इसी तरह आप जैसे देखो यहाँ पर हम बोल दे आंट, तो आंट से दो सेंस आता है, एक ए यू एन टी और एक ए एन टी, हाँ तो ये चींटी वाला है और ये इसका मतलब चाची होता है, चाची होता है। एक होता है आपका एक्रॉस, तो ये तो ए क्रॉस, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक्रॉस मीन्स होता है आर पर। अच्छा एडवाइस, तो ये तो वैसे यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवाइस, एक्चुअली ये एडवाइस इसको कहा जाता है, लेकिन ये इसका साउंड जो होता है एडवाइज होता है, यहाँ सा नहीं होता है, एडवाइज ही होता है। और वैसे ये समझ लो सी के बाद जब ई आई वाई होता है तब सी का साउंड किससे निकलता है, सा से निकलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, एडवाइस बोलेंगे। क्लियर है ना। अच्छा बात करें एड्रेस, तो चलो बताओ एड्रेस की स्पेलिंग क्या होगी, बोलो, ए डबल डी आर ई एस। अब देखो आप ही गलत कंफ्यूज हो गए, डबल एस होता है, जबकि एड्रेस हम लोग लिखते रहते हैं आए दिन, देखते रहते हैं कि हाँ एड्रेस फॉर्म फिल करो कहीं भी कुछ, तो एड्रेस रहता है, एड्रेस मीन्स पता होता है ना। अच्छा आर्मीज की स्पेलिंग बता दो, आर्मीज, आर्मी नहीं आर्मीज, ए आर एम, एक मिनट, आर्मीज बोल रहा हूँ प्लूरल फॉर्म, ए आर एम वाई एस, अब गलत हो गया ना, ए आर एम आई ई एस होता है, वाई के प्लेस पर आई आएगा ना। चलो नेक्स्ट बताओ ऑलवेज का क्या होगा, ए एल डब्ल्यू, ऑलवेज की स्पेलिंग नहीं मालूम, वाई ए एस, ए एल डब्ल्यू ए वाई ए एस, वाई एस, वाई ए एस नहीं, ध्यान दो भाई स्पेलिंग ये चीज है ना। चलो नेक्स्ट बताओ बिगिन का, बिगिन मीन्स स्टार्ट करना, बी ई जी ई एन, ये गलत हो गया, अब इतना इजी इजी तो गलत मत करो, बिगिन होता है, बिगिन मीन्स स्टार्ट करना। चलो बिलीफ की स्पेलिंग बताओ, बिलीफ, बी ई एल आई, बिलीफ कह रहा हूँ, बिलीफ, हाँ बिलीफ, बिलीफ, एफ ई वाला, हाँ इसके लास्ट में प्रोनाउंस पे, हाँ बिलीफ, बी ई एल आई एफ ई, आई एफ ई, गलत हो गया। बताओ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हाल है, तो हिंदी मीडियम वाले तो और गलत कर रहे हैं, एल आई ई एफ रहता है भाई, बिलीव। ध्यान दो। अच्छा चलो बताओ इग्नोरेंट के, हाँ जो इग्नोर करना होता है ना, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, आई जी एन ओ आर ई, आर ई एन टी, गलत हो गया।
यहाँ पर होगा आर ए एन टी। फिर इग्नोरेंट, आई जी एन ओ आर ए एन टी होता है इग्नोरेंट। चलो ब्राइट की स्पेलिंग बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए। ब्राइट, 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 हाँ रोशनी वाला। बी आर आई जी एस टी यही होगा, ब्राइट है ना, हाँ ये सही हो गया। चलो जेवल की स्पेलिंग बताओ, जेवल जो ज्वेलरी होता है ना, जे ई डब्ल्यू ई एल, ये सब तो कॉमन है भाई, आना चाहिए। ज्वेलरी हुआ। चलो ब्यूटी की स्पेलिंग बता दो, बी ई ए यू टी आई, टी आई रहता है ब्यूटीफुल में, टी आई। अरे यार ये बेसिक तो मत गलती करो, ब्यूटी होगा। चलो नेक्स्ट बताओ बेबी की, बी ए बी वाई, हाँ। और एक बेबी और होता है, एक होता है बी ई बी वाई। इस बेबी का मतलब पता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। और एक बेबी होता है ये वाला बच्चा है ना। चलो जज की स्पेलिंग बता दो, कौन सा जज कितना होता है, बोलो क्या होगा, जे यू डी जी ई, गुड यही होगा जज है ना। चलो जजमेंट की स्पेलिंग बता दो, जे यू डी जे यू डी जी ई एम ई एन टी, सही है जजमेंट है ना। चलो अब नेक्स्ट बताओ, कलर की स्पेलिंग बता दो, ये तो हाँ सी ओ एल ओ यू आर, ये तो ईजी है। नॉलेज की स्पेलिंग बता दो, नॉलेज के एन ओ डब्ल्यू एल एल ई डी जी ई, सही है पक्का, नॉलेज होगा। करेज की स्पेलिंग बता दो, करेज मीन्स होता है कोई चीज़ साहस करना। करेज अभी आज तक सुनी नहीं हो, इतना कॉमन वर्ड है, सी ओ यू आर ए जी ई, ये करेज, करेज मीन्स साहस। नाइफ की स्पेलिंग बता दो, चाकू, अच्छा के एन आई एफ ई, हाँ ये तो पता है, चलो ये तो बच्चों वाला है ना। चलो कैप्टन की स्पेलिंग बता दो, कप्तान, टी ए आई एन, कैप्टन क्रिकेट देखते हो इसका मतलब। कॉलोनी की, क्या होगा, एन ई, गलत हो गया, एन वाई रहता है। कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी की स्पेलिंग नहीं पता, सी ओ, अरे सॉरी यार, सी ओ L O N Y होगा कॉलोनी है ना। चलो कॉलरा की स्पेलिंग बता दो, कॉलरा, कॉलरा नहीं सुने हो, गर्मी में कॉलरा हो जाता है, हैजा, नहीं गलत है। कॉलरा की स्पेलिंग होगी C H O L E R A, ये सब कॉमन है। लिसन की स्पेलिंग बता दो, L I S T I, अब बताओ लिसन की स्पेलिंग गलत कर दिए, अब ये मत कहना इसे हम आज तक सुने ही नहीं है, इसमें बहुत गलत है। L I S T E N होता है लिसन। कमेटी सुने हो, C O डबल M ई टी वाई, गलत है, कॉमेडी की स्पेलिंग होती है सी ओ डबल एम आई डबल टी डबल ई, ये होते कॉमेडी। अच्छा लाइब्रेरी की स्पेलिंग बता दो, एल आई बी आर ए आर वाई, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट बताओ आप, लेबर की स्पेलिंग बता दो,
एल ए बी ओ यू आर, सही है, एल ए बी ओ यू आर, लेबर। चलो अब इसके बाद आप बता दो लेसन, लेसन किस वाली, लेसन मीन्स चैप्टर होता ना, अच्छा चैप्टर ही आज तक लिखे हो, लेसन नहीं लिखे हो, चलो ले, नहीं एल ई डबल एस ओ एन ये होगा या एल ई डबल एस आई ओ एन ये होगा, यही होगा, कॉन्फिडेंस तो लाओ, डबल एस ओ एन ही होगा। अच्छा डिसीव मीन्स धोखा देना होता है, सुने हो कि नहीं, डिसीव मीन्स धोखा देना, स्पेलिंग क्या होगी, डी ई सी ई आई बी ई, ये डिसीव होता है। चलो इसके बाद डिसीजन सुने हो कि नहीं, या ये भी नहीं सुने, हाँ डिसीजन की स्पेलिंग क्या होगी, डी ई, अभी नाउन में वर्ड फॉर्मेशन में बताया गया था डिसीजन, नोट्स पूरा ही नहीं है, हाँ डिसीजन क्या होगा, डी ई सी आई और आगे एस आई ओ एन, ये होगा डिसीजन, नाउन है ये, इसका एडवर्ब वर्ब फॉर्म क्या होगा, डिसाइड होगा, याद आया कुछ, चलो डिलीजेंट की स्पेलिंग बता दो, डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, डी आई एल आई जी ई एन टी, ये होता है डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी। अब यहाँ समझो मीनिंग भी, परिश्रमी है ना, सिनोनिम्स थोड़ा तैयार करने का प्रयास करूँ, हार्डवर्क, हार्डवर्कर, डिलीजेंट, क्लियर। चलो लेबरर ये तो मान लो बता ही लोगे, मर्सी की स्पेलिंग बता दो, मर्सी मीन्स दया होता है, हाँ एम ई आर सी वाई, मर्सी। चलो इसके बाद बता दो आप फोर्टी की स्पेलिंग पता है, एफ ओ यू आर टी वाई, आप तुम पिटोगे, आर टी वाई होता है, सोचो फोर्टी की स्पेलिंग गलत हो गई, ये फोर्टी होगा है ना, जनरली लोग यही बताते हैं क्योंकि फोर से डिनोट करते हैं ना, फोर्टी गलत हो जाता है, लेकिन हाँ अच्छा मिसचीवियस का है, मिसचीवियस मीन्स क्या होता है, शैतान ना, मिसचीव्स, मिसचीवियस की बता दो, मिसचीवियस सुने हो, मिसचीफ सुने हो, क्या सुने हो अभी एर्थ क्लास में, कुछ नहीं सुनो, मिसचीवियस एम आई एस सी एच ई सी एच आई ई बी ओ यू एस, ये मिसचीवियस मीन्स होता है शैतान, जैसे वो एक नाटी बॉय है ना। फेयरवेल की स्पेलिंग बता दो, ये तो गलत मत करना, ये तो अभी जल्दी में बताया गया था, एफ एफ ए आर ई और डब्ल्यू ई डबल एल होता है, ये होता है फेयरवेल, वो एक होता है फियरफुल होता है, वो होता है एफ ई ए आर और एफ यू डबल एल होता है ना। चलो फेमिनाइन की, जेंडर फोर टाइप्स का होता है ना, अभी बताओ स्पेलिंग बहुत वीक है, एफ ई एम आई एन आई एन ई, फेमिनाइन नहीं बता पा रहे हो, बच्चों वाला ये, चलो बता दो अब आप स्पेलिंग बता दो, जनरली की स्पेलिंग बता दो, ये गलत होगा तो आप पीटे जाओगे, जनरली की स्पेलिंग, जी ई एन आर ई ए एल वाई, बताओ सोचो कहाँ पर हो आप, ई एल वाई तब भी गलत है, कोई इतना भी गलत नहीं करता भाई जितना आप कर रहे हो, जनरली की स्पेलिंग होगी जी ई एन ई आर ए डबल एल वाई, इसका मतलब आप लिखना लिखते कम हो, और लिखते भी हो तो सही से नहीं लिखते, लिखते समय थोड़ा ध्यान दो, इंग्लिश मीडियम में तो हर चीज़ें इंग्लिश में रहती हैं, ये सब तो कॉमन है, टीचर लोग बोलते भी रहते हैं जनरली यूजुअली कॉमनली वगैरह वगैरह। नेसेसरी की स्पेलिंग एन ई ए एस
गलत है, एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई होता है, नेसेसरी होता है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, ओके okay?